में मोदी सरकार की नई सोच के साथ नई पहल जो बदलेगी देश की तस्वीर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्तीय वर्ष 2022 से 23 के लिए आत्मनिर्भर डिजिटल इंडिया का डिजिटल बजट पेश किया। यह बजट कई मायनों में खास है। बजट में सरकार का जोर साफ तौर पर डिजिटल इकोनॉमी व उससे जुड़ी तमाम चीजों पर देखा जा सकता है। कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, रक्षा व परिवहन जैसे तमाम क्षेत्रों के डिजिटलाइजेशन पर जोर है। 5G की शुरुआत के साथ ही भारत एक नए युग में प्रवेश कर जाएगा। पूर्वोत्तर के विकास के लिए पीएम विकास पहल। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देने के लिए पीएम विकास पहल नाम की नई योजना शुरू करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि देश की उत्तरी सीमा पर स्थित गांवों को एक नए जीवंत ग्राम कार्यक्रम के दायरे में शामिल किया जाएगा ताकि इन गांवों में विकास को बढ़ावा दिया सके। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि यह कदम देश के किसी भी कोने में किसी भी स्टूडेंट तक गुणवत्तापरक शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित करने में प्रभावी साबित हो सकता है। विभिन्न भारतीय भाषाओं व ICT फॉर्मेट में पाठ्यक्रम उपलब्ध कराने के लिए देश के बेहतरीन शिक्षण संस्थान साथ आ सकते हैं। कोविड काल में ऑनलाइन एजुकेशन व लर्निंग का महत्व बढ़ा है। वित्त मंत्री ने RBI की डिजिटल करेंसी पर बड़ा ऐलान किया। वित्त मंत्री ने कहा कि RBI की डिजिटल करेंसी डिजिटल रुपी को नए वित्त वर्ष की शुरुआत में ही लॉन्च कर दिया जाएगा। डिजिटल रुपी को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी व अन्य टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के जरिए पेश किया जाएगा। यह डिजिटल इकोनॉमी को बिग बूस्ट देगा। करेंसी मैनेजमेंट को ज्यादा इफिशियंट और कम लागत वाला बनाएगा। देश में बहुप्रतीक्षित 5G मोबाइल सेवा की शुरुआत अगले वित्तीय वर्ष में हो सकती है। डिजिटल सेवाओं व इकोसिस्टम के विकास को अगले पायदान पर ले जाने के लिए 5G जरूरी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में निजी दूरसंचार सेवा प्रदाता 2022 से 23 में 5G सेवाओं की शुरुआत कर सके। ई पासपोर्ट होगा जारी। बजट 2022 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पासपोर्ट को अपग्रेड करने की दिशा में बड़ा ऐलान किया। वित्त मंत्री ने कहा कि साल 2022 से 23 में ई पासपोर्ट जारी किया जाएगा जिसका फायदा नागरिकों को विदेश यात्रा में मिलेगा। वित्त मंत्री ने बताया ई पासपोर्ट सामान्य पासपोर्ट का डिजिटल रूप होगा जिसमें इलेक्ट्रॉनिक चिप लगी होगी। पासपोर्ट में मौजूद चिप में बायोमेट्रिक डाटा रहेगा जो डेटा सिक्योरिटी में मदद करेगा। इलेक्ट्रॉनिक चिप में पासपोर्ट होल्डर का नाम और जन्म तिथि समेत अन्य जानकारियां होंगी। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें लोक शक्ति, बेल आइकॉन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन। इन वीडियोस को भी देखें।